वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास को। इसमें हम आपसे बात कर रहे थे कल भी गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो कि 319 एडी से 540 एडी तक चलने वाला है। और इस साथ में कुछ पार्ट हम इसमें पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 12। इससे पहले 11 लेक्चर आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं इनको तो जाकर जरूर देखें। आने वाली जो एग्जाम्स हैं आरआरबी और ग्रुप डी की, उसमें आपको इनसे काफी मदद मिलने वाली है। ये जो लेक्चर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Which one of the following was the official language of Gupta period? यानी कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? तो जो गुप्त राजा हुआ करते थे उनकी आधिकारिक भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में हमने बात की थी जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता साम्राज्य था, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? हमने बात की थी श्री गुप्त इनके फाउंडर थे। और जो रियल फाउंडर हमने बोला था, रियल फाउंडर कौन थे? रियल फाउंडर थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इनके रियल फाउंडर थे। साथ ही में इनके जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इनके बेटे कौन हुए? इनके उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनके उत्तराधिकारी हुए। और इन्होंने ही इनके एक कवि का नाम क्या था? हरिशयन। ये नाम याद रखना है, हरिशयन। हरिशयन जो थे इन्होंने कंपोज किया था प्रयाग प्रशस्ति। क्या कंपोज किया था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को इन्होंने कंपोज किया था, जो कि अलाहाबाद के जो पिलर हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें मिलता है। और अलाहाबाद जो है, अलाहाबाद के जो पिलर हैं उसमें साथ ही में क्या क्या पता चलता है? उसमें जो अशोका है, अशोका थे, साथ में समुद्रगुप्त थे, और उसके बाद जो अकबर आया था, इन तीनों के बारे में पता चलता है। और अशोका जो थे उनकी जो राजभाषा यानी कि शासकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा इनकी शासकीय भाषा थी। साथ ही में समुद्रगुप्त की प्राकृतिक भाषा क्या थी? संस्कृत। यहाँ पर मिलता है जो इलाहाबाद पिलर है यहाँ पर मिलता है। और अकबर जो थे इनकी राजकीय भाषा थी पर्शियन। तो ये तीनों की राजकीय भाषा आपको याद रखना है। अशोका की थी प्राकृत, समुद्रगुप्त की थी संस्कृत, और अकबर की थी पर्शियन। तो जो गुप्ता काल था उनका जो प्राकृतिक भाषा थी, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट एंड वाह मिहिर बिलोंग टू विच एज? यानी कि आर्यभट्ट और बारह मिहिर किस एज से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस काल से बिलोंग करते हैं ये लोग? तो कल हमने बात की थी जो गुप्ता पीरियड था इसको गोल्डन एज कहा गया था। तो गोल्डन एज के कारण क्या क्या बताए थे हमने? इसमें जो लिटरेचर उभर के आया था काफी अच्छा, कालिदास वगैरह थे, विष्णुगुप्त थे, विष्णु शर्मा थे। साथ ही में साइंस में काफी काम हुआ था, और उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन पर भी काम हुआ था। तो जो साइंस थे, साइंस के इसमें कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिन्होंने मैथमेटिशियन थे एक, और एस्ट्रोनॉमर भी इनको कहा जाता है, ये दोनों ही थे। और इन्होंने इन्वेंटेड किया था जीरो, जीरो की खोज इन्होंने की थी, और बुक लिखी थी आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट जो थे इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? आर्यभट्ट जो थे इन्होंने बुक लिखी थी आर्यभट्टियम। और साथ में जो बारह मिहिर थे ये भी एक एस्ट्रोलॉजर ही थे, एस्ट्रोनॉमर ही थे। इन्होंने बुक लिखी थी पंच सिद्धांतिका। और ये किस काल में थे? तो ये थे गुप्ता काल में, गुप्त साम्राज्य के काल में थे। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुम्हार शंभवम एन एपिक वाज कंपोज्ड बाय, यानी कि कुमार शंभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? तो जो कुमार शंभव एक महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा ये लिखा गया है। साथ ही में कालिदास के द्वारा और कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं गुप्त
पीरियड में, तो इनके साथ जो रघु रघुवंशम जो कि लॉर्ड राम के ऊपर था, उसके बाद मेघदूत काफी फेमस है, मेघदूत मेघदूतम, ये किसके लिए, ब्यूटी ऑफ नेचर की लिए ये रचना की गई थी। साथ ही में उसके बाद कुमार संभवम जो कि स्टोरी ऑफ कार्तिकेय जो है उनके ऊपर आया था, और उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम जो कि दुष्यंत एंड शकुंतला के बारे में एक लव स्टोरी बेस्ड इन्होंने रचना की थी। तो कालिदास से रिलेटेड इतना कुछ आपको रचनाएं याद रखना है, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास के द्वारा रचनाएं हैं। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, और ये गुप्ता पीरियड में ही थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन, यानी कि समुद्रगुप्त को इतिहासकार, किस इतिहासकार ने इंडियन नेपोलियन की उपाधि दी थी। तो हमने कल भी बात की थी कि इन्हें इंडियन नेपोलियन किस लिए कहा गया था, इनको जो मिलिट्री कैंपेन इन्होंने होल इंडिया में स्टार्ट किया था और इसी के कारण इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था, जिसमें कि इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया, और इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन यानी कि इंडिया इंडियन नेपोलियन कहा गया। और इसको किसने कहा है, ये कहा है वी ए स्मिथ इनका नाम है, ये नाम भी आपको याद रखना है, काफी क्वेश्चंस इस नाम से बने हैं, वी ए स्मिथ द्वारा इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो अभी हमने बात की है दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में जो हरिसेन है इन्होंने कंपोस्ट क्या किया था, प्रयाग प्रहस्ती इन्होंने कंपोज किया था। और साथ ही में जो इंस्क्रिप्टेड ऑन अलाहाबाद पिलर, जिसमें कि अशोका, समुद्रगुप्त और अकबर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी उनके बारे में बताया है, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रयाग प्रहस्ती जो कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रयाग प्रहस्ती इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी बात की है ये समुद्रगुप्त के पीरियड में बने थे, तो ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर ओनली टू नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया, वन ऑफ दीज इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग, यानी कि प्राचीन भारत में गुप्त काल के गुफा चित्रों के केवल 2 ज्ञात उदाहरण हैं, इन्हीं में से एक है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग, और गुप्त चित्रों का दूसरा जीवित उदाहरण कहाँ है। तो इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अजंता एलोरा इनका नाम साथ में लिया जाता है, पर जो गुप्त चित्रों का दूसरा जीवित उदाहरण है वाक्यूस, यानी कि ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में जो अजंता की पेंटिंग्स हैं इसमें 29 केव्स हैं, और इसमें ये भी कहा जाता है कि पहले तो ये कहाँ पर है, ये है औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये भी कहा जाता है कि जो अजंता की केव्स हैं ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ओनली बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इसमें दिखाई देता है, पर जो एलोरा है उसमें क्या, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, ये तीनों ही दिखाई देते हैं। और इसकी जो पेंटिंग्स है मतलब कि जो गुफाएं हैं इसमें फ्रेस्को स्टाइल है, फ्रेस्को स्टाइल में है, जो कि ऑन वेट क्ले यानी कि गीली मिट्टी पर ये बनाई गई थी। और जो गुप्ता किंग्स हैं ये भी मान्यता है कि जो गुप्ता किंग्स हैं ये ओरिजिनली मैं पैटर्न किंग नहीं थे अजंता केव्स के, क्योंकि बिफोर गुप्ता डायनेस्टी इनको बना दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में जो एलोरा केव्स हैं ये डेवलप कराई गई थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, तो ये भी याद रखना है, ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय, यानी कि हर्षवर्धन ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन ने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में जो पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है ये रहता है 550 से 750 AD तक, और इसमें एक हर्षवर्धन हर्ष राज्य करते हैं, और जो कि कन्नौज से इन्होंने राज्य किया था, कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी। और इसी से हर्ष इरावी आपको याद रखना है, हर्ष इरावी एक आया था, और साथ में एक इनके टाइम पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क आया था जिसका नाम क्या था, हुइंग सेंग इनका नाम था, तो ये भी याद रखना है। और चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था ये, साथ ही में इन्होंने नालंदा में स्टडीज की थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखी थी, प्रियदर्शिका और नागंध, ये तीनों ही हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी, और जो हर्ष चरित्र था ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर्ष चरित्र लिखा गया था वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था, तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, हर्ष चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हु वाज रिटन द हर्ष चरित्र, तो अभी बात की है हर्ष चरित्र किसने लिखी है, हर्ष चरित्र लिखी है वानभट्ट ने, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।